हरे कृष्णा हरी बोल हरी बोल हरे कृष्ण। हाँ बच्चों श्लोक बोलो, कौन बोलेगा बोलो। हाँ बोलो। तुम बोलो हाँ क्या याद किया और कौन याद किया बोलो तुम बच्चों मुकाम बाचाला तमाम बंदे माधव और कौन याद किया बोलो श्री गुरु और बच्चों में कोई और कोई याद किया आप लोग अंदर में बोलो और कोई याद किया बोलो अब याद किए हो बोलो जत कृपा तमाम तमाम बंदे परमानंद उसमें दो शब्द आता है एक तो परमानंद माधव और एक होता है श्री श्री गुरु दीनतारण है इसमें दो तरह का ये श्लोक आता है। देखो ये श्लोक का मतलब है मुकम करति वाचालम जो मुकम मतलब होता है जो कुछ कभी बोल नहीं सकता है मुकम मतलब जिसका मुंह कभी खुलता नहीं लेकिन अगर गुरु जी की बा ठाकुर जी कृपा हो कहते मुकम करोति वाचालम वाचालम मतलब होता है जो ज़्यादा बोलता है यहाँ पर ज़्यादा बोलता है मतलब अगर ठाकुर जी कृपा हो गुरु जी कृपा हो जो कुछ नहीं जानता है एक मूर्ख व्यक्ति भी वो बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है किसकी कृपा से बोले श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री भगवान की कृपा से गुरु जी की कृपा से एक मूक भी हैं एक गुंगा व्यक्ति भी बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है इसलिए हमारे संप्रदाय में ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जो केवल दिन सारा गुरु जी की सेवा करते थे और कुछ नहीं करते थे दिन भर ठाकुर जी की सेवा करते थे एक समय जब प्रभुपाद हमारे गुरु जी का जो गुरु जी थे हैं जो प्रभुपाद थे कहते उनका एक शिष्य था एकदम अनपढ़ है एकदम अनपढ़ वो क्या करता था दिन भर बगीचा में सेवा करता था बैगन का पेड़ साग सब्जी लगाया करता था दिन भर और हाथों में तो करता था सेवा ठाकुर का सेवा लेकिन मुंह में हर समय ठाकुर का नाम जप करता था इसलिए ठाकुर जी यही कहते हैं हाथ में काम और मुंह में नाम इसलिए कोई कह कहते ना हमको तो भजन करने के लिए समय नहीं मिलता है हैं समय नहीं मिलता है ठाकुर जी बोले कलयुग में ज़्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं कलयुग में ठाकुर जी को पता है ये कलयुग का जीव ये ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता है ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकता है इसलिए ठाकुर पहले से ही एकदम सरल उपाय बता दिया हैं क्या करो बोले हाथों में जो कुछ करो
ठाकुर का सेवा मान करके, जैसे गोपियाँ वो गृहस्थ थी, वो कोई साधु संत नहीं थे, गोपियाँ तो घर में रहती थी ना, लेकिन जब घर में झाड़ू लगाती थी, क्यों झाड़ू लगाती थी, अगर कभी ठाकुर जी आएंगे, अगर घर में धूल पड़ा हुआ तो ठाकुर का चरण में लग नहीं जाए, इसी भाव से घर में झाड़ू लगाती थी हाथ में, लेकिन नाम करती थी मुँह में, इसलिए सिक्का देते हैं हाथों में कहाँ और मुँह में, बस एक चीज़ को गांठ बांध दो, बस इसी से ही तुम्हारी बड़ा बात हो जाएगी। इसलिए कृष्ण क्या करते थे, रोज रोज गोपियों घर में आते थे, ठाकुर रोज रोज गोपियों घर में आते थे और रोज रोज मक्खन खाया करते थे गोपियों घर में। इसलिए कहते वो जो संत थे हाथ में दिन भर खेती का काम करते थे, क्योंकि उसमें साग सब्जी बनेगा तो ठाकुर जी की सेवा लगेगा, फिर ठाकुर जी की सेवा के बाद में फिर प्रसाद बनते लोग प्रसाद पाएंगे, दोनों काम है, इसको द्वारा सुकृति बनती है। लेकिन एकदम अनपढ़ थे, एक बहुत बड़ा अफिसर था, वो अफिसर को पता था मंदिर में एक बहुत बड़ा संस्कृत पंडित था, बड़ा संस्कृत पंडित, उनको पता है ये बहुत बड़ा विद्वान है। एक समय उन्होंने आए और प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद जी मेरे को आदेश दो, ये जो महाराज है भागवत महाराज, हम इनके पास में हम भागवत कथा सुने, ठाकुर जी कथा सुने, भागवत सुने। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले भागवत का ये भव नहीं जानता है, ये भागवत का भय नहीं जानता है, हाँ भागवत सुनोगे जाओ। वो वैष्णव दास है, एकदम वृद्धा आदमी वैष्णव दास, दिन भर खेती में काम करता है, ठाकुर के लिए साग सब्जी बने, गुरु और वैष्णव ठाकुर को कृप सेवा मिले, दिन भर सेवा करता है और मुँह में ठाकुर का नाम लेता है, वो जीवंत भागवत है, जाओ उनसे जा करके भगवान की कथा सुन। बोले गुरुदेव वो तो अनपढ़ आदमी, गंवार कुछ ना पढ़ाई लिखाई नहीं, अवा भी नहीं जानता है, हैं ABCD एक दो भी नहीं जानता है, वो क्या कथा बोले, कबल उसको पास में जाओ वही सही भागवत कथा सुनाएगा। अभी प्रभुपाद का आदेश है, अभी वहाँ पर गए, देखा वो तो हाथ में क्या कर रहे, खेती कर रहे साग सब्जी, और मुँह में क्या कर रहे थे, एक बार सबके सब बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर का नाम कर रहे थे, खेती कर रहे थे, गए प्रणाम किया, वो प्रणाम करते खड़े हो गए, बोले क्या तुमको पता है, बड़ा ऑफिसर है, बोले मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हो, बोले प्रभुपाद ने आपके पास में भेजा कुछ भगवान की कथा सुना, ठाकुरों को कथा सुना, बोले मैं अनपढ़ गंवार, बोले प्रभुपाद ने आदेश दिया, अभी गुरु जी का आदेश तो पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने गुरु जी को प्रणाम करते हुए अरे भगवान की कथा सुना, इतने सुंदर उन्होंने ठाकुर जी की कथा सुनाया ना, हे कथा सुनकर उनका हृदय प्रेम में गदगद हो गया, गदगद हो गया, एकदम अनपढ़ आदमी, क्यों, गुरु जी का कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, है? जैसे कहते एक ज्ञान और एक विज्ञान, एक ज्ञान और एक विज्ञान, ज्ञान है भगवान जैसे सर्व कारण का कारण, जो दुनिया की सृष्टि सिद्ध प्रलय करने वाले ठाकुर, ये तो बहुत ज्ञान है जानते हैं, लेकिन विज्ञान कब होगा, जब ये चीज हृदय में उतरता है। जैसे आप लोगों ने रसगुल्ला खाए हो, कौन कौन रसगुल्ला खाए, आज से आज हमारे सिंघल प्रभु जी रसगुल्ला की व्यवस्था किया ना, सिंघल पर रसगुल्ला लाए ना, हरी बोल, इसलिए आज उनका बेटे का जन्मदिन है, प्रभु जी सभी के लिए रसगुल्ला की, समोसा की, और क्या केले 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 का सेक बनाए प्रभु जी, इसलिए आप उनका बेटे की जन्मतिथि के ऊपर लगे, इसलिए आज सबको बढ़िया प्रसाद मिलेगा। इसलिए जैसे रसगुल्ला, लेकिन एक व्यक्ति रसगुल्ला खाया, लेकिन एक व्यक्ति केवल सुना है रसगुल्ला बहुत मीठा है, लेकिन जो केवल सुना है ना उसको पूछो भाई यार रसगुल्ला कैसे, हाँ बोले मैंने सुना मीठा है, लेकिन जो खाया है ना उसको बोलो रसगुल्ला कैसे, बोले रसगुल्ला बहुत मीठा है, वो बोलते ना मुंह में पानी आ जाएगा, क्यों, वो खाया है रसगुल्ला को। कहते उसी तरह एक व्यक्ति केवल ज्ञान है, सब शास्त्र जानता है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं, इसलिए उसकी कथा से क्या होगा ना, साधारण लोग का हृदय परिवर्तन नहीं होता, हृदय अबकी परिवर्तन नहीं हुआ, बोले क्यों, बोले उसको अनुभूति नहीं, लेकिन एक व्यक्ति कोई ज्ञान नहीं, अनपढ़ एकदम है, एकदम अनपढ़,
लेकिन दिन रात भगवान की भजन करता है, सेवा करता है, उसका हृदय में ठाकुर उसका हृदय में सब कुछ स्फूर्ति प्राप्त करा देते हैं। इसलिए हम सुन रहे थे न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, कल श्लोक आप लोग ने याद किया था ना, कहते ये आत्म तत्व को भगवान को प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, हैं न बहुना श्रुते न बहुत सभा सुनने पर भी नहीं होता है, कब प्राप्त होता है, सही जाने जा रहे देहु जाना है, ठाकुर जिसको ऊपर कृपा करते वही उसको जान सकता है। लेकिन कृपा कब होगा, जब निष्कपट होकर के हम उनका भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, हैं तभी ये अनुभूति होगा, बोले जीत प्रभु की जय। इसलिए कहते तभी तभी ये चीज जा करके ये अनुभूति तभी होगी। प्रभु जी इधर आ जाओ, प्रभु के लिए यहाँ पर आसन है, हरे कृष्ण। इसलिए कहते तभी जा करके ये चीज की हमारी अनुभूति होगी। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोला हुआ क्या है, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे। तरुण है, तरुण तरुण उधर जाकर वो गेट बंद होगा, उस गेट खोल। हाँ इसलिए कहते हैं पंगु लंघे ते गिरी, हरे कृष्ण। हाँ इधर तक हरी बोल, इधर सुना, अब बैठ अब बैठ। इसलिए कहते हैं हाँ मुखम करती वाचाल, हाँ एक गुंगा व्यक्ति भी अगर ठाकुर जी की गुरु जी की कृपा हो तो वो क्या बन सकता है, वो बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। एक श्री हैं एक श्री शंकराचार्य जी का शिष्य था, हैं शंकराचार्य जी का, अगर श्री रामानुज आचार्य जी का एक शिष्य थे शंकराचार्य जी का, महाप्रभु के जो कि एकदम अनपढ़ दिन भर केवल सेवा करते थे, केवल दिन भर सेवा करते थे और कुछ नहीं करते थे। एक समय शंकराचार्य जी जब कथा सुनाने जा रहे थे, उनको और बड़े बड़े धुरंधर विद्वान थे, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान, लेकिन उनका जो एक सेवक था जिनका नाम था गोविंद, दिन भर केवल सेवा करता था। अभी शंकराचार्य जब बैठे हुए हरि कथा सुनाने के लिए, जब बैठे हुए वो कथा प्रारंभ नहीं कर रहे, कथा प्रारंभ नहीं कर रहे, बोले गुरु जी कथा सुनाओ, बोले थोड़ी समय रुक जाओ। क्यों, उनका जो सेवक गोविंद उनके लिए रसोई बना रहा था गुरु जी के लिए, और रसोई बना रहा था गुरु जी की, बोले थोड़ा रुक जाओ। बोले गुरुदेव शुरू करना, सब भक्त आ गए। तब उन्होंने बोले गोविंद को आने दो, गोविंद को आने दो। बोले गुरुदेव वो तो अनपढ़ है, वो तो कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो क्या करेगा, वो क्या समझेगा, क्योंकि शंकराचार्य जी कथा पढ़े हाई भाई कथा वेदांत की कथा, बोले वो क्या बोलेंगे, तुम चुप कर बैठो बड़े बैठे। इसलिए उन्होंने बोले वो तो गवार तो कुछ जानता है नहीं, इसलिए वो क्या समझेगा ये वेदांत का अर्थ, बोले थोड़ी सी रुक जाओ। लेकिन जब गोविंद आए हैं, उनका एकदम जो सेवा करता था दिन भर कोई लिखा पढ़ा नहीं, तो उन्होंने गुरुदेव ने कथा की और गोविंद को उन्होंने आदेश दिया, तुम थोड़ी वेदांत के ऊपर बोलो, जो वेदांत है बड़ा कठिन ग्रंथ है, वो शब्द छोटे छोटे शब्द है लेकिन शब्दों के अंदर में बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ होता है, हैं शब्द तो छोटा लेकिन उसके अंदर में बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ होता है। जब उन्होंने उनका आदेश दिया सर तुम कथा सुनाओ तो वेदांत, उन्होंने जो वेदांत सुनाया ना, बड़े बड़े विद्वान भी सुन करके एकदम चकाचौंध हो गए, बाबा हम तो सोच रहे थे कुछ जानता नहीं है, तो कुछ जानता नहीं, किसकी कृपा, गुरु जी की और ठाकुर जी की कृपा। इसलिए कहते मुकम करोती बाचालम, इसलिए गुंगा व्यक्ति भी अगर गुरु जी की ठाकुर को कृपा होना वो बहुत बड़े विद्वान बन सकते हैं। बोले पंगुम लंघयते गिरी, जो लंगड़ा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, कहते ये पर्वतों को ये लांग सकता है, हैं जत कृपा तमाम बंदे परमा नंद वाधव, बोला श्री गुरु दिन तारण। कहते ऐसे श्री गुरु जी को, ऐसे श्री ठाकुर जी को हम सबके सब उनके चरण में हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री गुरु जी महाराज की जय, निताई गौर ब्रह्मानंद देव हरि हरि बोल। आ जा तुम आ जा, हाँ सुबह सुबह आ जा।
हाँ देखो ये बच्चे लोग रोज रोज थोड़ा महाप्रभु की कथा सुनाते हैं, हम इनको सिखा रहे हैं कैसे तुम लोग भगवान की कथा सुनो। और कुछ बोल सकते हो? बोल सकते हो आज? बोल सकते हो? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांशधर्मस्वामिने नामिने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणस्वामिने नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पादपद्मों के चरणों में अनंत कोटि दंड ज्ञापित करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण स्वामी महाराज एवं श्री श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी गुरुदेव महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंड ज्ञापित करता हूँ। तदुपस्थित उसके उपरांत यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथा योग्य दंड करता। तो श्री गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार आज चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ एक दो जो है लीलाओं को मैं बताने की कोशिश करूँगा, चेष्टा कर रहा हूँ। वैसे तो कुछ भी जो है पता नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुदेव के आगे थे बताने की जो है चेष्टा कर रहा हूँ। तो कथा कुछ उस समय की है जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो है विवाह के योग्य हो जाते हैं। अभी तक तो हम कई दिनों से बाल लीलाएं सुन रहे थे, फिर थोड़े से बड़े हुए चैतन्य महाप्रभु। तो आज उस समय की कथा हम लोग आ पहुँचे हैं जब श्री सची माता अपने पुत्र निमाय को देख करके सोचती है, अरे वाह ये तो जो है विवाह के योग्य हो गया है। तो श्री सची माता विष्णुप्रिय नाम की कन्या से जो है उनका विवाह करवा देती हैं। अपने पुत्र और पुत्रवधू की जोड़ी को देख करके जो है श्री सची माता वो फूली नहीं समाती, रोज उनको देख देख करके निहार निहार करके जो है मन ही मन बड़ी खुश होती है और उनके मन में जो है बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। इसी प्रकार धीरे धीरे समय जैसे व्यतीत हुआ तो विष्णुप्रिया जी ने भी अपने परिवार के सभी मनुष्यों के जो है मन में एक बहुत ही अच्छी जो है छवि बना ली थी, अच्छी जो है जगह उन्होंने प्राप्त कर ली थी। उसी समय जो है संसार से भक्ति जो है लुप्त हो चुकी थी, जगह जगह पर ज्ञान का कर्म का योग का जो है अथवा नास्तिकता जो है फैल चुकी थी। संसार में फैली हुई नास्तिकता को देख करके प्रभु सोचते हैं कि शायद मैं जिस कारण यहाँ पर आया हूँ, जिस कारण मैंने अवतार लिया है, उस कार्य को करने का समय नज़दीक आ गया है, तो चलो शायद उस कार्य को जो है पूर्ण किया जाए। तो फिर जो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के जो पिताजी हैं श्री जगन्नाथ मिश्र जी, उनका परलोकागमन हो चुका है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उन्हीं का ही बहाना बना करके कहते हैं माता को कि मैं पिताजी का जो है श्राद्ध करने के लिए गया चला जाता हूँ। और जो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ छात्रों को लेकर के और गया जी के लिए जो है निकल जाते हैं। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गया के लिए निकल पड़े तो रास्ते में जाते जाते जो है उन्होंने अपनी लीलाओं को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक बुखार की लीला करी। इतना तेज बुखार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को हुआ कि जो उनके साथ आए थे छात्र वो सब देख करके हक्के बक्के रह गए, चिंतित होने लगे और सोच रहे कि अब रास्ते में हम ऐसा क्या करें जो चैतन्य महाप्रभु को जो है इस बुखार की प्रताड़ना से दूर कर सकें, उनके बुखार को जो है दूर कर सकें। उन अनेकों छात्रों ने अनेकों प्रयास करे श्रीमन महाप्रभु के बुखार को ठीक करने के, लेकिन बुखार ठीक होने की अपेक्षा और ही ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा था। अब देखो ये बुखार जो है कोई साधारण बुखार तो था नहीं कि औषधि दी ठीक हो जाता। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने लीला को प्रकाशित करने के लिए इस बुखार का नाटक किया, प्रकट करने के लिए लीलाओं को, तो इसलिए जो है ये बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो ये जब छात्रों ने देखा कि महाप्रभु का तो जो है बिल्कुल भी बुखार ठीक नहीं हो रहा, जैसे जैसे हम औषधियाँ उनको देते हैं उससे तो ज़्यादा और भी ज़्यादा उनको बुखार बढ़ता ही जा रहा है, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको जो है एक उपाय बताते हैं कि मेरा बुखार जो है कैसे ठीक हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर मुझे जो है किसी शुद्ध ब्राह्मण का चरणामृत मिल जाए और मैं उसको पान कर लूँ तो मेरा जो है बुखार ये है जो है मैं बुखार जो है ठीक हो सकता है। इसी तरीके से भी गुरुदेव बताते हैं ना, जो जिनको वो जनाना चाहते हैं वही जो उनको जान पाते हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि किस तरीके से अगर वो एक शुद्ध ब्राह्मण के चरणों का चरणामृत लेकर के आए और वो उसको पान कर लेंगे तो उनकी जो बुखार है वो ठीक हो सकता है। महाप्रभु की इन बातों को सुनकर के छात्र जो है आसपास के किसी एक गांव में गए और वहां से एक आचरणशील और एक जो है शुद्ध ब्राह्मण का चरणामृत लेकर के आते हैं और प्रभु को दिया, और प्रभु ने जैसे ही उसको पान किया, पान करते ही प्रभु का बुखार जो है ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार देखो जैसे
अपनी चैतन्य महाप्रभु ने सीखा दिया है, कृष्णा भी अपना जीवन सीखा दिया। अरे कृष्णा जब द्वारका थे, एक दिन नारद जी ने पूछा, प्रभु आपका भक्त में सबसे बड़े भक्त है, सबसे कहते हैं आप भगवान कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, लेकिन कौन भक्त में सबसे बड़े भक्त आपका कौन है? कृष्ण ने कहा देखो नारद समय आने पर इस चीज को महाप्रभु ने क्या किया, कृष्ण ने क्या ये बुखार का लीला और सर दर्द का लीला ठाकुर जी ये लीला की, जब लीला की अभी वैद्य बुलाए डॉक्टर बुलाए लेकिन बुखार सही नहीं हुआ। इतने में नारद जी वो आए, बोले प्रभु जी आपका नाम लेने से जीव ये भव सागर से पार हो जाते हैं, कहते जिनका नाम लेने से हैं कहते सर्प उपाधि विनिर्मुक्तम, जितने सारे रोग है सर्प रोग उपशमनम, सारे रोग नष्ट हो जाता है केवल तुम्हारी नाम उच्चारण मात्र से ही। और आप क्या कह रहे हो मेरे को बुखार है, प्रभु आप ही बताओ आपको बुखार कैसे सही होगा? बोले एक उपाय है, अगर मेरे को ये शुद्ध भक्त हो अपना चरण धूलि मेरे को दे उसमें स्नान करा जाए तो बुखार सही हो सकता है। बोले नारद दुनिया कहता है तू मेरे सबसे बड़े भक्त हो, थोड़ा चरण धूलि दे दो। बोले राम राम राम, क्या प्रभु मेरे को नरक भेजना चाहते हो, आप तो मेरे प्रभु हो। बोले यहाँ पर तो बड़े बड़े भक्त है, महिषियाँ उद्धव सात्विक सब किससे भी ले आओ, और जिनको पास में गए कोई भी देने के लिए तैयार नहीं हो सब गाली निकाले। वापस आ गए बोले प्रभु जहाँ गया सब हमें गाली निकाले। बोले प्रभु को चरण तो ले देकर क्या नरक जाएंगे? बोले सब जगह में गए। बोले हाँ, बोले वृंदावन गया था। बोले प्रभु के बोले वृंदावन ही नहीं गया, मैंने सोचा ये ग्वालियर ग्वालिनिया गवार गाँव में रहने वाले कंडक बिनने वाले दधी मंदनी इनको क्या भक्ति पता। बोले नारद जी अगर मेरे कोई सही भक्त है ना वो वृंदावन, एक बार वृंदावन जाओ। जब वृंदावन गए सुना द्वारका से आए नारद जी, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले हमारे लाला कैसे हैं, हमारे कन्हैया कैसे हैं? बोले उनको तो बुखार, बोले दवा नहीं दिया। बोले दवा लेने के लिए तो आया हूँ। बोले क्या दवा है? बोले कृष्ण बोले अगर कोई मेरे को अपना भक्त अपना चरण धूलि दे दे उसमें मेरे को अभिषेक कराया जाए तो सही हो सकता हूँ। तब गोपियों ने कहा कोई बोरी बोरी लाया कि नहीं लेने के लिए? जितने ब्रजवासी गोपियाँ थी ना वो अपना चरणों को रगड़ रगड़ करके धूल निकाली और पुटली बात दिया, नारद जी का सर पर दे दिया। बोले जा कृष्ण को स्नान करा देना। गोपियाँ तो नारद देख करके अक्के बक्के चक्के हो रहे। तुम ले भगवान ये क्या कर रहे, अपना चरण धूलि प्रभु को दे रहे। बोले तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान है क्या, चरण धूलि देकर क्या नरक की रास्ता खाली कर रहे हो? बोले नारद जी अगर हमारी कृष्ण की हैं उनका अगर बुखार सही हो जाए, अगर उनके सहित के लिए अगर हमें एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म के लिए अगर हमको नरक जाना पड़े हम नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन कृष्ण का कोई धूप हम नहीं दे सकते। जा उसको लेकर भगवान को स्नान करा देना। वही चरण धूलि नारद जी सर पर लेकर के ढो ढो कर कहाँ पर गए? ब्रज से गए द्वारका। आप लोग कोई द्वारका गए हो? कौन कौन द्वारका गए? माता जी गए, दो गए। अरे कौन जाना चाहते हैं आप? सब बोले जाए। इसलिए जब उन्होंने द्वारका में एक गोपी तालाब है, हैं ये जो हम जो तिलक लगाते हैं ना यही से जो रंग का जो मिट्टी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इसमें देखो थोड़ा पीला रंग मिला वादे से, वहाँ स्वाभाविक रूप में जो मिट्टी का रंग ये स्वाभाविक रूप में, इसलिए भगवान को ही पर स्नान कराया गया। वहाँ पर एक गोपी तालाब है, हैं फिर भगवान की सर दर्द बुखार सही होता है। बोले क्यों? कारण क्या? भगवान सिखा देते हैं मेरे जो भक्तों का जो चरण धूलि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अगर जल्दी से जल्दी अगर कोई प्रभु को पाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कोई ठाकुर को पाना चाहते हो, बोले सबसे सरल तीन उपाय। बोले तीन उपाय किया? बोले एक तो भक्तों का चरण धूलि, दूसरा भक्तों का चरणामृत, और जो तीसरा है भक्तों का अधरामृत व उनकी कथा। अगर ये तीन चीज को कोई ग्रहण करेगा ना सबसे जल्दी से जल्दी आपको भगवत प्राप्ति का कहती है सबसे सरल उपाय। इसलिए आप लोग रोज ये तिलक लगाया करना। ये तिलक में ये नहीं करना हैं अरे तिलक की क्या जरूरत है, हैं दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है? नहीं भैया, जब इसी पति की जब माताएं सुहागिनी होता है ना सुहाग भरती है ना सिंदूर मांग भरती हैं सिंदूर लगाती हैं मंगलसूत्र पहनती हैं जैसे कुछ सुहाग का चिन्ह है, ये तो शरीर का पति के लिए था आपने इतना किए हो, लेकिन जो आत्मा का जो पति जो परम पति है उसके लिए तो कुछ होनी चाहिए ना।
इसलिए गला में कंठी तिलक माला ये सब जरूरत है। इसलिए रोज तिलक लगाए करना। जैसे एक सुहाग मिस्त्री जब अपना सुहाग का चिन्ह धारण करके पति को सामने चली जाती है, पति देखकर खुश हो जाता है। अगर पति जिंदा है, अगर विधवा रूप धारण करके पति को सामने जाओ, पति मानेगा? बोले मैं रहते रहते क्या तुम मेरे को मार डाल दिया। इसलिए तिलक जरूर लगाया करना ये गोपियों की। ये ब्रह्मा, ये विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ठाकुर का दो चरण है, उसका नीचे तुलसी दल, जरूर तिलक लगाना। ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते, देखो भगवान स्वयं तुम्हारी हमारी बात छोड़ दो, भगवान कृष्ण स्वयं तिलक धारण करते हैं, ठाकुर स्वयं अभिषेक किए। ये चैतन्य महापुरुष इसीलिए उन्होंने ये लीला की है, हाँ तभी मेरे बुखार सही होगी। अगर ये ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं, जो भक्त ब्राह्मण होनी चाहिए, हैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, अगर कोई भक्त ब्राह्मण हमें अपना चरण धूलि चरणामृत दे दे सही हो जाए, तब भगवान की बुखार सही हो। इसलिए महापुरुष शिक्षा देते हैं, भक्तों का चरण धूलि साधारण वस्तु नहीं। भगवत प्राप्ति की हम भक्तों का चरण धूल लेते हैं ना, संतों का चरण धूल लेते हैं, उनकी चरण धूलि में सारे प्रेम भक्ति उनके चरण धूलि में। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव चरण जल हैं तीर्थ जल पवित्र गुण लिखिया च पुराणे सस भक्ति प्रवचन। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्तों का चरणामृत जो चरण धूलि है, सारे तीर्थ मिल करके भी उसका कोई बराबर नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु जीवन में आचरण करते हुए उन्होंने ये शिक्षा आपको प्रदान किया महाप्रभु। इस प्रकार पर जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला के माध्यम से शुद्ध ब्राह्मण जो ब्राह्मण होते हैं उनकी महिमा को प्रकाशित किया जगत में। अब इसके बाद क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। फिर वो कहाँ जा रहे थे, गया से जा रहे थे अपने पिता के दर्पण के लिए, तो वो गया जाते हैं जब उनका बुखार ठीक हो जाता है, तो श्रीमद् चैतन्य वहां गया पहुंचे। श्री हरे विष्णु के श्री चरणों में उन्होंने अपने पिता का जो है दर्पण किया, और फिर वहां बैठ करके ब्राह्मणों के मुख से भगवान के चरण की महिमा को जो है उन्होंने श्रवण किया है महाप्रभु। और जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मणों के मुख से श्री चरण का जो है वर्णन सुना, उनकी महिमा के बारे में जाना, तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु प्रेम में इतने आविष्ट हो गए और इतने उनकी आंखों से अश्रु धारा जो है बहने लगी, उनका शरीर जो है रोमांचित हो गया, मुद्रित हो गया, मृत्यु उनको जो है रोमावली खड़ी हो गई। इस तरीके से बताते हैं उनके शरीर से बिल्कुल अश्रुओं की जो है धारा बहनी शुरू हो गई। महाप्रभु की जब लोगों ने ये दशा देखी कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ श्री चरणों की जो है महिमा को सुन करके उनके आध्यात्मिक विकार जो है उत्पन्न हो गए, तो वहां के आसपास के लोग जो है अचंभित रह गए कि ये ऐसे कैसे महापुरुष हैं जो सिर्फ श्री चरणों की महिमा को सुन करके ऐसी जो है लीला को प्रकाशित कर रहे हैं। उसी समय वहां पर जो है परम ठाकुर ईश्वरपुरी पार उपस्थित हुए और श्री हरि गौर सुंदर ने उन्हें देख करके आदर पूर्वक उनके चरणों में नमन किया। ईश्वर परिपाद जी ने भी जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पूर्वक जो है आलिंगन किया, दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया और आलिंगन करते करते उन दोनों के नेत्रों से इतनी अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी कि मानो उनके सारे वस्त्र जो है बिल्कुल भीग चुके हो। तो कुछ समय पश्चात जो है फिर महाप्रभु आप बोले, आपके श्री चरणों को देख करके मेरी दया की यात्रा जो है सफल हो गई है, पिंडदान तो होगा ही है लेकिन आपको देख करके, किसको, ईश्वरपुरी पाद को देख करके श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी दया की जो है यात्रा बिल्कुल सफल हो गई है। फिर महाप्रभु कहते हैं तीर्थों में पिंडदान करने से तो सिर्फ उस व्यक्ति का ही क्या होता है, उद्धार होता है जिसके नाम से पिंडदान किया गया हो, लेकिन आप जैसे परम भागवत को देख करके तो समस्त जगत का, समस्त संसार का जो उद्धार मतलब अपने आप ही हो जाता है, कोटि कोटि पितरों का उद्धार हो जाता है, अतः तीर्थों के साथ आप उनकी तुलना करना संभव ही नहीं है। आप तो तीर्थों को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं। एक गौड़े के कुछ में भजन आता है, उसमें नरोत्तम दास कहते हैं, गंगा न परशाते पसाते पावन दर्शने पवित्र करे तो मगोना। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि गंगा का तो आचमन अथवा स्नान करने पर ही उसका जो है पुण्य लाभ मिलेगा, वो तब हमें पवित्र करेगी, लेकिन आप जैसे वैष्णव होंगे तो दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पतित से जो है पावन हो जाता है। ऐसे ही हमारे सब पुजित गुरुदेव है जिनको दर्शन करने से ही हमें पतित लोगों का पावन उद्धार हो सकता है। महाप्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने शिक्षा दिया है। कहते महाप्रभु इसी जगत में 48 साल थे, कितना साल थे, 48 साल थे।
उनने 26 साल अपना घर गृहस्थ लीला की और 26 साल के बाद में महाप्रभु संन्यास ले गए। महाप्रभु दो चीज को उन्होंने शिक्षा दिया, जो व्यक्ति घर में रह करके भगवान की भक्ति करते हुए ये संसार से पार होना चाहते हैं, उनको घर गृहस्थी में रह करके कैसे अपना पत्नी बच्चों के साथ में कैसे वो रहे, जो घर में रहते हुए भी वो भगवत प्राप्त कर सके। इसलिए उन्होंने 26 साल उम्र तक उन्होंने घर गृहस्थ उन्होंने लीला की है महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु क्या शिक्षा दिया, महाप्रभु सवेरे उठ करके ऐसे नहीं रात को 1-2 बजे तक टीवी देखे, फिल्म देखे और सोए और सवेरे 8-9 बजे तक उठे, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए हैं। बोले नहीं कम से कम 6 घंटा तो सोनी चाहिए। बोले हाँ 6 घंटा सो। बोले कितना बजे सोते? बोले सोता हो तो रात को 3 बजे हैं, फिल्म टीवी देख करके, और 3 बजे से अगर सोएगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कम से कम 9 बजे तक उठेगा, नहीं। इसलिए नियम है सवेरे रात को टाइम में सो जाओ और सवेरे उठा करो। इसलिए पहले मैंने बताया ना 4 तरह का स्नान है। कितना स्नान है, क्या क्या? एक ऋषि स्नान, एक देव स्नान, एक नर स्नान और एक राक्षस स्नान। कहते हैं एक ऋषि स्नान, ऋषि स्नान किसको कहते हैं? बोले ब्रह्म मुहूर्त में जो नहा ले। बोले ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। देखना पहले ऋषि लोग, गांव के लोग भी देखना, पहले माताएं भाई लोग कितना बजे उठ जाते हैं, माताएं भाई लोग एकदम सवेरे 4 बजे उठ करके नहा धो करके हैं अपना तिलक ठाकुर का सेवा पूजा आरती उतारते हैं। इसलिए कहते जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है ना, वो स्नान करते ही शरीर का आधा बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाए। इसको कहते हैं ऋषि स्नान। एक होता है देव स्नान। देवता लोग कब स्नान करते हैं? बोले सूर्य उदय होने से पहले नहा लेते हैं। एक होता है नर स्नान, मतलब इंसान को कब स्नान करनी चाहिए, कम से कम जब सूर्य उदय होता है कम से कम उसी समय में नहा ले। कहते राक्षस स्नान किसको कहते हैं? बोले सूर्य उदय के बाद में जो स्नान करते हैं इसको कहते हैं राक्षस स्नान। इसलिए टाइम से स्नान हमें कर रहे। इसलिए महाप्रभु एकदम सवेरे सवेरे उठ जाती थी और उनका पत्नी जो विष्णु प्रिया थी वो उनसे चैतन्य महाप्रभु पहले से उठ जा करके घर को पहले गोबर मिट्टी में पोतते थे ना, पहले घर में गोबर मिट्टी से पोतते थे, गोबर का पानी छिड़काव करते थे, घर का साफ सुथरा करना उठ जाती थी। इसलिए महाप्रभु घर में कैसे भजन साधन करते थे, सवेरे उठ करके नहा धो करके सबसे पहले तुलसी में पानी देते। इसलिए आप लोग भी रोज़ तुलसी में पानी देना। कौन कौन पानी देते? हाँ, घर में तुलसी में पानी देने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि जो तुलसी ये साक्षात लक्ष्मी है। देना सालग्राम के साथ में शादी होती है ना तुलसी की, इसलिए रोज स्नान करके तुलसी में जरूर पानी देनी चाहिए और कम से कम 4 बार तुलसी की परिक्रमा करो। तुलसी कहते जिसको घर में जितने सुंदर तुलसी है ना, ये समझो लक्ष्मी उसका घर में उतना ही आएगी, उतना ही लक्ष्मी, क्योंकि तुलसी साक्षात लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी है तुलसी है। इसलिए तुलसी जरूर घर में रखनी चाहिए। हनुमान जी जब उतर किया देख करके उतरे थे लंका में, केवल तुलसी पौधा देख करके हनुमान उतरे है। इसलिए तुलसी सभा महाप्रभु सवेरे उठ करके पानी देकर परिक्रमा करते थे। उसके बाद में क्या करते थे, ठाकुर का अपना हाथों से ठाकुर का सेवा पूजा स्नान कराना महाप्रभु स्वयं करते थे। और विष्णु प्रिया पत्नी क्या कर लेती थी, पूजा होने के बाद बड़े सुंदर महाप्रभु के लिए रसोई तैयार कर देती थी है, रसोई तैयार कर देती थी। अब महाप्रभु कभी कभी क्या करते थे, 10-20 सन्यासी को निमंत्रण दे देते थे। और महाप्रभु तो ब्राह्मण घर में जन्म हुए, साधारण घर में। अब उन्होंने आ करके पत्नी को माँ को बोले, बोले मैया आज 10-20 सन्यासी घर में प्रसाद पाएंगे। मैया तो चिंता में पड़ जाती, घर में कुछ है ही नहीं, दाल चावल कुछ है ही नहीं, 10-20 सन्यासी लाएंगे कहाँ से। इतने में महाप्रभु जाते हैं और घूम घाम करके ना सोने की एक मोहर ला कर बोले मैया ले इसको तोड़ करके है सारे सामान घी दूध सब खरीद करके ले आओ। मैया तो चिंता में पड़ जाती, बोले क्यों? बोले ये सोने की मोहर कहाँ से ले आया, हमारे घर में तो सोने का मोहर नहीं। लेकिन मैया क्या सोचती है, तो मेरे लाला निमाई है महाप्रभु, उनको तो पता नहीं है लक्ष्मीपति। और जो घर में जो विष्णु प्रिया ये माँ लक्ष्मी स्वयं घर में साक्षात लक्ष्मी हैं, विष्णु प्रिया जो पत्नी लक्ष्मी है वो साक्षात। इतने में वो बड़े चिंताएं पड़ जाती थी, जाकर कहाँ से किसी घर से तो उठा कर नहीं ले आ,
फिर जितने अड़ोसी पड़ोसी को लेकर के बोले ये क्या सोने तुम्हारी घर की है, ये क्या 10-20 घर में पूछती थी। जब बोलते थे भैया ये हमारे घर के नहीं, फिर मैया जाकर दाल चाल सब्जी सब कुछ खरीद करके लाती थी, ला करके लक्ष्मी प्रिया महापुर का पत्नी को देती थी। और लक्ष्मी तो सख्यात लक्ष्मी एक चुटकी बजाते ही एक सुंदर सुंदर अन्न व्यंजन एक बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाया करती थी। और करके किया ठाकुर को भोग लगाती थी, ठाकुर जी को सालग्राम को भोग लगा करके घर में 10-20 सन्यासी क्या करते थे उनको सेवा करते थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कहते हैं गृहस्थ है या अतिथि सेवा नहीं करे पशु पक्षी है तो अधम बलिता। इसका मतलब है जो व्यक्ति गृहस्थ में रहते हैं नियम होता है ऐसे नहीं सब कुछ कमाओ और अपना सेवा में लगाओ, नियम है उसका 10% कम से कम दान पुण्य में अच्छे कर्म में भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। लगाएंगे तो क्या, हाँ एक चीज़ को समझो, पैसा को लक्ष्मी कहते हैं ना, आप बताओ लक्ष्मी किसकी, हमारी ना नारायण की लक्ष्मी है, नारायण की। इसलिए ये लक्ष्मी जब ये नारायण की सेवा में ये लक्ष्मी लगती है ना, फिर तो वो लक्ष्मी वैष्णव सेवा में नारायण सेवा में लक्ष्मी घर में खुश रहती है, प्रसन्न रहती है और वो आशीर्वाद देते, बोले बेटा खूब फलते फूलते रहो बेटा खूब। अगर लक्ष्मी को तुम कमा रहे हो, अगर ये ठाकुर और संतों की सेवा में नहीं लगेगा ना, फिर वो लक्ष्मी घर में खुश नहीं रहती। लक्ष्मी तो ठाकुर जी का है ना, अगर ठाकुर की सेवा में नहीं लगेगी तो लक्ष्मी खुश नहीं रहेगी, भले ही पैसा आएगी बहुत लेकिन घर में देखना शांति सुख में शांति सुख में रहने नहीं देगी, वो बीमारी ले आएगी, लड़ाई झगड़ा लगा देगी, कोर्ट कचहरी मामला लगा देगी, जा करके पैसा उधर बह जाएगा। क्यों लक्ष्मी तुम्हारे घर में घुस नहीं, क्योंकि लक्ष्मी को तो लक्ष्मी तो ठाकुर जी की है, अभी ठाकुर का सेवा में नहीं लगा कर लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो, लक्ष्मी को तुम भोग करना चाह रहे हो, लक्ष्मी को तुम काम भोग कर सकते हो। इसलिए लक्ष्मी का वाहन कौन, बोले उल्लू, कौन है वाहन, उल्लू, फिर तो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है। इसलिए महाप्रभु स्वयं सिखा देते हैं, इसलिए गृहस्थों को क्या करनी चाहिए, जो कमाई हम करते हैं कुछ ना कुछ भक्तों की सेवा में ठाकुर की सेवा में कुछ ना कुछ हमें लगानी चाहिए, उसको तरह संस्कार बनती है तुम्हारी, यही संस्कार धीरे धीरे आगे भजन में लगाएगा। अगर खुद कमाया खुद खा लिया तो भक्ति कहाँ बढ़ेगी, तुम तो खुद कमा कर खुद खा रहे हो, तुम तो भक्त भगवान की सेवा में तुम्हें संस्कार कहाँ होगा, भक्ति नहीं बढ़ेगी। इसलिए महाप्रभु ने 24 साल तक घर में रहते हुए उन्होंने अपना पिता माता की सेवा करनी चाहिए, घर में भी पिता माता की। कहते ना भगवान राम क्या करते थे, प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, ठाकुर सवेरे उठ करके अपना पिता माता के चरण छूते थे, पिता माता की सेवा करने से उनकी आशीर्वाद मिलता है, हैं उनकी कृपा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए महाप्रभु घर में रहते हुए हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए सिखाए, उसको बाद में 24 साल बाद में महाप्रभु संन्यास ले लिया, संन्यास लेकर फिर संन्यासियों कैसे रहनी चाहिए, महाप्रभु कठोर वैराग्य पूर्वक उन्होंने महाप्रभु 24 घंटा में 24 घंटा भगवान भजन में लग रहे थे, उन्होंने दोनों चीज को महाप्रभु ने सिखा दिया। उसको बाद में महाप्रभु ने फिर गया, गए गया में पिंड देनी चाहिए, लेकिन कलियुग होने का नाते आप देखना कुछ लोग नास्तिक बन गए, कुछ लोग हैं जैसे आर्य समाज कुछ लोग होते ये पिंड पिंड नहीं देते, ये आत्मा फात्मा भगवान भगवान को कुछ नहीं मानते, कहते मरने के बाद कौन किसको देखा है, हैं कौन किसको देखा है, फिर नहीं भैया ऐसे नहीं होनी चाहिए, हम तो भारतीय है ना, देखना जैसे कोई घर में शरीर छोड़ देता है ना 13 दिन तक अपवित्र, 13 दिन तक हम अपवित्र रहते ना, बोले क्यों, वो शास्त्र में वर्णन किया है वो जीवात्मा को जो वैतरणी नदी होती है वो टाटी पेशाब खून पी उसको पार करने के लिए 13 दिन लगती हैं, हैं इसलिए 13 दिन, इसलिए 13 दिन के बाद में क्या होता है, इसलिए शुद्धि क्रिया 13 दिन के बाद में शुद्धि क्रिया होता है, फिर जा करके जीव अपना कर्म के अनुरूप फल भोग करता है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या, अगर उसकी अस्थि को कहीं गंगा में दे दिया, गंगा पवित्र है, अभी गंगा दशहरा आ रही ना, कल परसों आ रही ना गंगा दशहरा, हैं इसलिए गंगा दशहरा गंगा में इतने पवित्र है, गंगा सागर पहले कथा सुना ना, सगर महाराज की जो बच्चे थे 10,000 बच्चे कपिली मुनि के अभिशाप से जल करके राख बन गए थे, हाहाकार करते थे हमें उधार करो, आप देखना कभी देखना वो सीरियल है, हाहाकार कर रहे हमें उधार नहीं हो रहा है, हमें उधार करो चित्कार करके बोल रहे पूर्वजों को। इसलिए उनका परंपरा में अंशुमान दिल्ली भी आए गंगा को लाने के लिए कोशिश कर नहीं ला पाए,
लेकिन जब भगीरथ ने लाए, हजार साल पहले पूर्व जो चली गई थी, लेकिन जब उसको ऊपर में गंगा बहे तो चली गई उधर हो। इसलिए हमारे हमारे संस्कृति क्या कहता है, मरने के बाद उनको अस्थि लेकर गंगा में दो, यमुना में दो, किसी तीर्थ स्थान में देनी चाहिए, फिर उनकी उधार। जो हमारे भारतीय जो संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है, और गया में जा करके पिंड देनी चाहिए, क्यों, ठाकुर जी का चरण वहाँ पर चिन्ह है और ठाकुर ने स्वयं वरदान दिया, अगर कोई गया में आकर के मेरे पिंड दान करे तो उसको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनको पिता तो नित्य परिकर है, वो ठाकुर का नित्य परिकर है, उनको गया में पिंड देने का क्या जरूरत है, तो नित्य परिकर है, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए है, क्योंकि अगर प्रभु नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कहाँ से। अब रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखो, आदर। अब रामायण देखना, जब दशरथ महाराज शरीर छोड़ दिए, प्रभु तो वनवास में थे ना, अब देखे होंगे गंगा में स्वयं भगवान स्वयं राम और लक्ष्मण पिताजी उद्देश्य में पिंड प्रदान कर, देखे कि नहीं, ठाकुर ने दिया पिंड दिया है। फिर दूसरा तीसरा क्या सिख्या दिए, महाप्रभु जब गया गए अपना गुरु जी से उनको मिला, मिलन हुई है, महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले आज हमें गया है ना सार्थकता हो गया, बोले क्यों, आज अपना गुरु जी से हमने मिला है, हैं, कहते पिंड में तीर्थ में पिंड देने से जिस उद्देश्य में आप पिंड दोगे केवल उसका ही उद्धार होगा, लेकिन कहते संत दर्शन महाप्रभु सिख्या देते हैं अपना जीवन में, कहते आज गुरुदेव बोले तुम्हार दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही खड़े भव बंध पाए विवचन, लेकिन जीवन में जब किसी शुद्ध साधु का दर्शन हो जाए बोले करोड़ों करोड़ों तुम्हारी पूर्वज उद्धार हो जाती, क्यों, जब शुद्ध साधु का दर्शन होता है, महाप्रभु जब दीक्षा मंत्र प्राप्त की, दीक्षा मंत्र को प्राप्त करते हुए महाप्रभु जो गया में गया से वापस आते हैं, महाप्रभु पहले पंडित निमाए थे, लेकिन जब वापस आए ना भावुक निमाए बन करके, दिन रात कृष्ण कीर्तन में झूमते रहते थे, हरि बोल करके रोते रहते थे, भक्त बन करके जब महाप्रभु आए, क्योंकि कहते तभी गया जना सार्थक था, जब भक्तों का दर्शन हो, उनसे भगवान के नाम दीक्षा मंत्र ग्रहण करके जब अपना जीवन को प्रभु का प्रेममय बनाओ, प्रभु की भक्तिमय बनाओ, तभी ये तीर्थ यात्रा हमारी तभी जाना सार्थकता है। इसलिए महाप्रभु ने ये जीवन में अपना सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हुए महाप्रभु बड़ी सुंदर सुंदर महाप्रभु हमारे लिए शिक्षा देकर गए, ये सब शिक्षाओं को अपना जीवन में उतार करके हमें भगवान की भक्ति और भगवान की भजन करनी चाहिए। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, पिताई गौर प्रेमानंद हरि, याद करता है अभी, हाँ देखो परसों हम लोग कहाँ जाएंगे, परसों कहाँ जा रहे हो, शुक्र कल जाएंगे, इसलिए प्रभु ने बस को मैंने ठीक कर दिया ना, बस को मैंने ठीक कर दिया है, इसलिए उसमें हम लोग यहाँ, आप लोग बताओ कितने बजे यहाँ से निकल सकते हो, हम चाहते उसी दिन जाए और टाइम टाइम से वापस चले जाए, यहाँ से तो 70 किलोमीटर यहाँ होगी, उसमें शुगर तल जा कोई गए कि नहीं पहले, जहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को जहाँ पर ये भागवत कथा सुनाए थे, जिस बटवृक्ष के नीचे जिस गंगा को आश्रय करते हुए, अभी वो बटवृक्ष अभी विशाल बटवृक्ष है वहाँ पर बड़े पवित्र स्थान है, इसलिए हम लोग उसी दिन ही गंगा देवी प्रकट हुई, इसे मरते जगत में गंगा देवी की गंगा दशहरा है उसी दिन, और गंगा देवी की प्राकट दिन है, और एक गंगा माता गोस्वामिनी है उनका भी जन्म तिथि उसी दिन, उसकी कथा हम सुनेंगे, इसलिए उस दिन बहुत पवित्र दिन है, ठीक है, इसलिए हम लोग कितने बजे यहाँ से निकल सकते हो, हम क्योंकि आप लोग घर का काम करना पड़ता है ना, इसलिए हम चाहते जल्दी जल्दी जाए और जल्दी जल्दी हम वापस चले आए, आप बताओ कितना समय यहाँ से निकलनी चाहिए, अरे बोलो यहाँ से प्रभु, आप लोग बता कितने बजे यहाँ से निकले, 7 बजे, ठीक है, हो जाएगा ना घर का काम काज, हैं, बच्चों के लिए और पति के लिए तो तुमको रोसी बना के देना पड़ेगा, इसलिए और वहाँ भोजन अपना अपना प्रसाद अपना अपना बना कर खिलाना, ठीक है ना, जिसको जो पसंद का बना कर खिलाना, अगर हो तो हमारे लिए भी खिला देना, इसलिए अपना अपना घर में अपना अपना प्रसाद को 7 बजे, गाड़ी कहाँ लगी, कहाँ पर
इसी रोड में राम बाप कॉलोनी को पास में वहीं पर गाड़ी लगेगी आप लोग आकर के नहर पे लगवा देंगे गुरु जी की नहर पे लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगा लॉकडाउन में ठीक है और ठीक है आप लोग सब के सब टाइम में आ जाना और जितना जल्दी लेट नहीं करना इसलिए 7 बजे नहीं 6 बजे आ जाएगा तो बहुत बढ़िया क्योंकि जितने जल्दी हो हम जाए और दिन दिन रहते रहते हम वापस स्नान करके पर यहाँ वापस चले आए ठीक है और इसका किराया कितना ये किराया 300 रुपया करके इसकी किराया है इसलिए आप लोग प्रभु जी कहते हैं कम से कम एडवांस तो थोड़ा दे दो ऐसे नहीं जाते समय हम आए नहीं फिर बस कर लिया फिर हाथ से पैसा देना नहीं पड़ जाए इसलिए प्रभु जी कहते हैं आप लोग एडवांस थोड़ा थोड़ा पैसा प्रभु जी को दे जाना ठीक है जाते समय आप कुछ पैसा दे जाना एडवांस दे देना उनको पता चलेगा नहीं ये लोग सब के सब जाएंगे इन्होंने गाड़ी कर लिया सभी लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था उन्होंने कर ली ठीक है और आज हमारे सिंघल प्रभु जी अपना सिंघल प्रभु जी सिंघल महाराज इसलिए आज उन्होंने बेटा का जन्मतिथि है इसलिए प्रभु जी अपना बेटे की जन्मतिथि उद्देश्य में बोले भक्तों को कुछ सेवा हो जाए इसलिए क्या क्या बनाए केले का सेक बनाए और समोसा और सबके लिए मिठाई की व्यवस्था किया आप लोग सबके सब प्रसाद लेकर जाना और जाते समय बच्चे लोग आप लोग एक श्लोक को आप लोग बोल करके जाना ठीक है बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
राधा गोपीनाथ गोविंद।